Hello dear students, so this is question number 27 of IIKM 2024. Guys, so ये जो question है इसको हम दो ways में कर सकते हैं. एक तो है कि अगर इसको हम थोड़ा सा trick लगा के चलते हैं तो इसको हम within a minute solve कर सकते थे. और second way is actual theoretical way कि किस कैसे हम इसे solve करना. तो पहले हम 1 minute solution देखते हैं कैसे हम इसको बना सकते थे. So basically it is a 5 marker, right? और आप इसको अगर थोड़ा सा ट्रिक लगाते तो आप इसको 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते थे. तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में अपने को ए एंगल 30 डिग्री गिवन है और ये गिवन है कि बीपीसी माइनस बीएसी, सीपीए माइनस सीबीए एंड एपीबी माइनस एसीबी आर इक्वल. और इसे अगर हम मान लेते हैं थीटा, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं जो बीपीसी एंगल है दैट बीपीसी एंगल इज 60 प्लस थीटा प्लस ए. And we can find out theta also. Like first, if we try to find out theta, तो आप BPC angle को अगर लिखो, BPC angle क्या आ जाएगा? BAC plus theta. So BAC angle is A. So A plus theta. In a similar way, you can write CPA angle will be equal to B plus theta. And angle APB is C plus theta. Now we know that the complete angle is 360. और ये तीनों एंगल्स मिलके P के अराउंड पूरा एंगल बना रहे हैं. सो अगर मैं तीनों का सम 360 करता हूं तो वहां से मेरे पास थीटा की वैल्यू आ जाती है. सो आई एम एडिंग दिस 3, सो फ्रॉम देयर यू कैन फाइंड आउट थीटा इज 60 डिग्री. ओके, सो दिस इज द वन थिंग. सो बाय दैट एज वी नो A इज 30, सो P एंगल एट दिस एंगल BPC इज 90. Now these two angles we do not know, but that is definitely 60 plus B and this is 60 plus C. So ये जो B and C angle हैं, इन पे हमारे पास कोई condition नहीं है, right? हमारे पास इस पे कोई condition नहीं है. तो means अगर हम यहाँ से B और C angle कुछ assume करते हैं so that कि यहाँ पे angle 360 ही बन जाए, तो सबसे बेस्ट वे जो मेरे को लग रहा है कि अगर मैं 60 प्लस बी को 90 रख लेता हूं, अगर मैं 60 प्लस बी को भी 90 रख लेता हूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा. बीपीए इज अ स्ट्रेट लाइन. अगर आप इस एंगल को भी 90 मान लेते हो, राइट, मींस बी इन दैट केस विल बी 30, राइट. फॉर 60 प्लस बी टू बी 90 दिस शुड बी 30. तो जो हमारे पास डायग्राम है बच्चा लोग, तो वो ऐसा बन जाएगा. अगर आप इसको 90 मान लेते हो, ये ऑलरेडी 90 है, राइट, देन दिस विल बी 180, राइट. सो व्हाट विल हैपन, जो पॉइंट पी है, जो पॉइंट पी है यहाँ पे, वो कहाँ पे चला जाएगा, ए बी लाइन पे. पी पॉइंट कहाँ पे चला जाएगा, ए बी लाइन. So this angle is 180 and these two are 90 each. So इस केस में क्या हुआ, अपने पास P point और जो D point है, D point क्या था, जहाँ पे perpendicular बन रहे थे ना, D E F are the points. So हमारे पास D और P coincide हो गए, D और P points क्या हो गए, coincide हो गए. और अब हमें क्या करना है, P से बाकी दोनों lines पे भी perpendicular draw करने हैं. तो आप perpendicular draw कर सकते हैं यहाँ से दोनों lines पे. So this point is let's say E and this is F. अब हमें area ढूंढना है DEF का. So basically जो PEF triangle है, that is basically DEF. अब जो PEF triangle का area है वो ढूंढना बहुत easy है बच्चों. अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा observe करो, हमें angles पता लग गए हैं, ये 30 है, B is also 30, right? और जो AP का लेंथ है, AP का लेंथ हमें गिवन था 12, सो मींस दिस इज 12, राइट. AP अगर 12 है और ये एक आइसोसेलस ट्रायंगल बन चुकी है 30 डिग्री एंड 30 डिग्री, सो इफ दिस इज 12 तो ये भी 12 हो जाएगा, राइट. परपेंडिकुलर है, CP परपेंडिकुलर है, तो अगर ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा. और हमें एरिया ढूंढना है PEF का. अब PEF का एरिया ढूंढने के लिए आप PE की अगर वैल्यू ढूंढो, PE की वैल्यू क्या आ जाएगी, P
BE की वैल्यू आ जाएगी 12 sin 30 which is 6, so this will also be 6, ये दोनों वैल्यूज क्या आ जाएंगे चलो 6, और जो ये एंगल है अगर ये आप एंगल ढूंढो तो ये भी क्या आ रहा है, क्योंकि 30 है ये 60 है, ये भी 60 हो जाएगा इन द सेम वे, सो दिस इज 60, दिस इज आल्सो 60, सो इफ दिस इज 60, दीस टू आर साइड्स आर 6 आल्सो, दिस विल डेफिनेटली बी 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो द एरिया ऑफ दैट विल बी √3/4 a स्क्वायर, सो √3/4 6 स्क्वायर व्हिच इज 9√3, ओके। अब यहां पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि हमें तो पॉइंट P जो है इनसाइड द ट्रायंगल गिवन था, राइट। यहाँ पे जो एक इशू आपको आ सकता है कि सर पॉइंट P तो हमारे पास लाइन के ऊपर आ गया पर पॉइंट P तो इनसाइड द ट्रायंगल था, बट अगर आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि जो पॉइंट P है अगर इसको मैं रेदर देन टेकिंग इट ऑन अ साइड AB, अगर मैं थोड़ा सा इसको अंदर अज्यूम कर लूं रेदर देन टेकिंग इट एट ऑन अ साइड AB, इसको आप अगर थोड़ा सा अंदर ले आओ, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन सी कि जो इस ट्रायंगल का एरिया भी PEF का आया है वही एरिया उस केस में भी आएगा। ओके लेट मी शो यू व्हाट आई एम सेइंग, इफ आई से दिस इज अ ट्रायंगल राइट एंड पॉइंट P आई एम अज्यूमिंग अ वेरी नियर टू AB, means we are considering a triangle in which point P is very near to AB. So in that case, you can see that the perpendicular if you draw from P to AB line, let's say D, then E, then F, now as we approaches PD to 0, then what will happen, the area of DEF, the area of DEF reaches to PEF only, right? So in this case, जो point P पे हम AB पे मान के चल रहे हैं, उससे जो area आ रहा है, that will be definitely equal to the area if a point is inside the triangle, right? क्योंकि अगर आप point P को rather than on a side, थोड़ा सा इसको अंदर consider करते हो, in that case you can see that the area of this triangle PEF only matters because the remaining two area will be reduced to zero only, right? I hope this is clear what I want to say, that we are taking P to this point side, so if we are moving in this direction then the area of the triangle PDE and PDF will reduce to zero and we have a main area is PEF only. So this is the method number one, which is a hit and trial way, you can say, or a tricky way, but that is not the actual solution, okay? But with the help of this you can easily find out the area, that is 9√3. Now let's see the actual way that we will also do without the help of trigonometry, okay? So let's see how we do it. So this is 30 degree and we know this will be 90, right? This is 30 degree and this is 90 degree, we know. Now we know AP is 12 and these are perpendiculars, PD and PF are perpendiculars. So ADPF lies on a circle, ADPF cyclic, right? So AP is the diameter of that circle. Now if I consider center of this is O, so OA bhi 6 hoga, OP bhi 6 hoga, or OD bhi 6 hoga, or OF bhi 6 hoga, aur ye angle bhi kya ho jayega? 60 degree, yes or no guys? अगर A पे 30 degree है तो सेंटर पे 60 degree हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि DFB भी
सिक्स हो जाएगी क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, ओ डी एफ इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये अगर 60 डिग्री है तो ये डी एफ का लेंथ भी 6 आ गया। तो जिस ट्रायंगल का हमें एरिया चाहिए डी ई एफ का, उसमें हमें डी एफ लेंथ 6 मिल गई है, राइट। चलो अब थोड़ा सा एंगल चेंजिंग लगाते हैं और देखते हैं कि क्या हम बाकियों की साइड्स वगैरह या कुछ एंगल्स वगैरह ढूंढ सकते हैं। इसे अगर मैं थीटा मानता हूं तो ये 30 माइनस थीटा हो जाएगा, राइट गाइस। अगर मैं इस पार्ट को थीटा मान रहा हूं तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 30 माइनस थीटा। अभी ये 30 माइनस थीटा है तो ये भी 30 माइनस थीटा होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट। जो पीएफ कॉर्ड होगी उससे ही ए पे जो एंगल बन रहा है और डी पे जो एंगल बन रहा है वो सेम होगा। सो दिस एंगल इज 30 माइनस थीटा, एंगल एफ डी पी इज 30 माइनस थीटा, राइट। एंड व्हाट अबाउट दिस एंगल, दिस एंगल इज ए पी डी which will be 90 minus theta, because this angle is 90, this we are assuming theta, so this is 90 minus theta. Now what about this part of angle? We know APB angle is, APB angle is 60 plus C. We know APB angle is 60 plus C, APB angle. So then DPB angle will be equal to 60 plus C minus APD angle, which is 90 minus theta. So what we will get, C plus theta minus 30. So this value is C plus theta minus 30. Now again, if you see, BEPD is also cyclic. BEPD is cyclic. BEPD is cyclic. So whatever angle is this, the same angle will be this one, right? So I can say that angle BED is same as C plus theta minus 30. Now, I want to find out this part of an angle, because that is a part of a triangle DFE. Okay, so to find this angle, what I can do, first I can find out this angle. This is the exterior angle of a triangle. Angle ADE, angle ADE is exterior angle. So it is equal to angle B plus angle E. So that is B plus C plus theta minus 30. That is angle AD. Right? Now, B plus C is 180 minus A, which is 180 minus 30, 150. 150 minus 30 is 120, so it is 120 plus theta. This is 120 plus theta. So ADE is 120 plus theta. Then what should be this part of this angle? As we know, ADP is 90, so I can say it is ADP plus angle that we need is PDE is 120 plus theta. So ADP is 90. So you can see angle PDE is 30 plus theta. Now once this angle we get, you can see a very beautiful observation that this is 30 plus theta, and this value we have already find out, that is 30 minus theta. FDP is 30 minus theta.
So what about the angle FDE? Then what should be the angle FDE? 30 minus theta plus 30 plus theta, which is 60. So this angle in fact is 60 degree. With the same way, you will find out that this angle is also 60 degree. So means triangle DEF is nothing but an equilateral triangle, because you can see the two angles are 60, so definitely third will be 60. So it is nothing but an equilateral triangle having an area is root 3 by 4 a square. So, and we know the side of this also 6, so that is 9 root 3. So that is the actual solution. That is the, means we can say, theoretical way to find out the area of this triangle DEF. Thank you guys.